अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आज कुछ बोलूँगा नहीं, जो कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ ना, कुछ बताना चाहता हूँ और आप लोगों से कमेंट्स में जानना भी चाहता हूँ कि आप क्या सोच रखते हैं इस चीज़ के बारे में। एक मुद्दा है, छोटा सा मुद्दा है, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। पहली बात, एक लड़का या एक लड़की, कुछ भी, एक लड़का या एक लड़की में आप लोग क्या फ़र्क करते हैं, ये मेरा सवाल है उन सब लोगों से जो लड़का और लड़की के अंदर फ़र्क रखते हैं। अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो आप मुझे माफ़ कर दें, और बस मैं एक इंसानियत के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो वीडियोस बनाने से डरते हैं। हाँ, एक चीज़ आपने ये चीज़ इंडिया में देखी होगी कि हिजाब, घूम फिर के उसी बात पे आता हूँ मैं, हिजाब के ऊपर एक लड़की थी, कॉलेज में कितने लड़के थे, उस एक लड़की ने, आप लोग यूट्यूब पे देखो, टिकटॉक पे देखो, इंस्टाग्राम पे देखो, सोशल मीडिया को आज भी उठा के देखो, वो लड़की किधर है, उसको कितना सपोर्ट मिला है। क्यों, यानी मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा, उसने क्या बोला था, सिर्फ अल्लाहु अकबर बोला था ना, क्यों, चारों तरफ उसके लोग घूम के आए थे, उसको मारना चाहते थे, क्यों मारना चाहते थे, उसने हिजाब पहना इसलिए, उसका कसूर ये था कि उसकी इज्जत उसके आड़े आ रही थी। इंडिया में जो लड़कियां होती है, पैंट शर्ट होती है, ये होती है, यानी कि हद तक अगर आप ये वीडियोस उठा के भी देखो तो कितनी लड़कियों ने भी, यानी नॉन मुस्लिम लड़कियों ने कितना सपोर्ट किया उस लड़की को। मैं सिर्फ मुस्लिम के बारे में नहीं बोलता, मैं उस हर चीज़ के बारे में बोलता हूँ यार। वो देखो, उस लड़की को किस मज़हब की लड़की ने सपोर्ट नहीं किया है। नंबर वन, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अल्लाह एक है, ऊपर वाला एक है। जब उसने बनाने में फ़र्क नहीं किया तो आप लोग कौन होते हो फ़र्क करने वाले यार। जब अल्लाह ने इंसान को बनाने में कोई फ़र्क नहीं किया तो आप लोग कौन होते हो कि किसी को आप बोल सको नहीं आपने हिजाब क्यों पहने। उस एक लड़की की वजह से बस ये इतना ही हुआ ना कि किसी ने कुछ बनाया हिजाब के बारे में, यानी कुछ गलत बोला और कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। यानी ये जो पूरा सिलसिला चल रहा है, जो भी है, पूरा जो सिलसिला चल रहा है, क्या है, मैं किसी और चीज़ पे नहीं लेके जा रहा, सही है ना। ये जो हिजाब का मसला है, जो भी है, चलो जो भी था, काफ़ी लोगों ने मान ली, इसको किधर से किधर लेके गए, सही है ना। टिकटॉक में ये वीडियो चली, हज़ारों लोगों ने मैं उसको शेर की बेटी का खिताब दूंगा। मैं अभी ऐसे यानी वीडियो बना रहा हूँ तो मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहता, क्यों, मेरा एक मैसेज है। आखिर क्यों इंसान अपने आप को क्यों यानी ऐसा कर देता है कि ये जो बोलते हैं ना, एक
एक इसको इस चीज को मैं किस चीज का नाम दूँ। यानी मेरा सिर्फ ये एक मैसेज है लोगों के ऊपर कि खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते किसी लड़की को या किसी लड़के को उसके कपड़ों से जज मत करो। कोई भी हो, मैं हूँ, कोई लड़की है, कोई क्या है, कोई है, उसको हिजाब पहना है, हिजाब नहीं पहना है, ओके, आपको हक नहीं बनता है कि आप उसको नोटिस करो। सही बात है। यानी मैं कुछ ऐसा गलत नहीं बोलना चाहता, पर और ये जो हमारे इधर हुआ लास्ट टाइम, शायद आप लोगों को भी पता होगी ये बात कि एक बाप ने अपनी एक 7 दिन की बेटी थी उसको मार दिया। पता है क्यों? ये दूसरा वाक्या है, मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। ये वाक्या था, उसको बेटा चाहिए था। यार उस बंदे को इतना भी शर्म नहीं आया, किस 6 या 7 गोलियां उसने अपने बेटी को मारी। यानी उसकी माँ के ऊपर क्या बीतता होगा, उस बाप को इतना सा शर्म नहीं आया। चलो साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल की, ओके, 7 दिन उस बच्ची ने तो अभी दुनिया भी नहीं देखी थी। क्या कसूर था उसका? ये दुनिया है। यानी आजकल के कुछ लोग ऐसे भी जिंदा हैं कि एक लड़का और एक लड़की में फर्क करते हैं। मैं हूँ, कुछ भी है, कोई भी इतना फर्क नहीं करता है अपने बच्चों के अंदर, चाहे लड़का हो या लड़की है, ऊपर वाले की देन है, देने वाला उसकी जात है। सही है ना? अल्लाह ने दिया है और वही देगा। यानी बोलने का मतलब और कुछ भी नहीं है मेरा, बस छोटा सा मैसेज था आप लोगों तक पहुंचाया। तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को इतना शेयर करो ना, शायद मेरी जो पिछली वीडियो थी उन वीडियो में से अगर ये अच्छी भी निकले, मेरा एक छोटा सा मैसेज जो है, यानी मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा, ना मेरी किसी से दुश्मनी है, ना मेरी कुछ किसी से है, मेरा सिर्फ मैसेज ये था कि एक लड़का या एक लड़की, कोई भी हो, या लड़का या लड़की, कोई भी हो, फर्क नहीं करना चाहिए। अगर मेरी बातें कुछ गलत, अगर आप लोगों को लगी, किसी को कुछ गलत लगा, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा, यानी मैंने अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो मैं आप सब लोगों से दिल से माफ़ी मांगता हूँ। बस मेरा सिर्फ ये मैसेज, इतना सा, इतनी सी जो बात करने का वो था ना, बस यानी मेरा तो जो भी था, पहली बात आप हिजाब के अंदर फर्क मत करो, और दूसरा चाहे लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, कोई भी हो, मैं कुछ, यानी ये ना मैं कुछ अपने सब्सक्राइबर के लिए बना रहा हूँ, ना मैं किसी मुफाद से बना रहा हूँ। चलो इसमें 1 लाइक 2 लाइक आता है तो भी सही, मुश्किल नहीं है, 1 सब्सक्राइबर आएगा, 2 सब्सक्राइबर आएंगे, मुश्किल नहीं है, मुझे इस चीज़ का टेंशन नहीं है। पर मैं ये मैसेज पहुँचाने का एक मकसद था, इसको इतना शेयर करो जो लोग फर्क करते हैं ना उनको पता चलना चाहिए, जो लोग
कोई भी हो या अपनी जिस एक बच्ची के ऊपर हाथ उठाना या एक बच्ची को 7 गोलियां मारना सोचने वाली बात है यार। नंबर 2, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो लड़का या लड़की में फर्क करते हैं। और जिंदगी में अगर कोई भी मेरी बात गलत लगी हो आप लोगों को तो मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से। प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना लाइक करो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचाओ जो इन चीज़ों को मानते हैं, ताकि क्या पता जो इंसान के अंदर शर्म होती है ना वो उनके अंदर थोड़ी भी आएगी ना, मुझे अल्लाह बहुत सवाब देगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।